यूपी में सिर्फ यादव आरोपी का ही एनकाउंटर क्यों? बाकी आरोपियों को क्यों छोड़ी यूपी पुलिस? सवाल गंभीर। चप्पल में मिट्टी का एक कण तक नहीं, फिर भी डीएसपी ने कैसे किया एनकाउंटर? कुछ तो गड़बड़ है। बहन रोते रोते बोली, भैया को घर से ले गई यूपी पुलिस, 2 दिन रखा, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी के यहाँ लूट हुई। लूट के सरगना विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया। दूसरे किसी आरोपी का एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन मंगेश यादव को पुलिस घर से उठा ले गई। बहन के अनुसार तीसरे दिन पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर दिखा दिया। और तुर्रा देखिए एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही का, जो चप्पल पहनकर सड़कों से फिर कच्चे रास्तों से मंगेश यादव का पीछा किया और चप्पल में मिट्टी का एक कण तक नहीं लगा और एनकाउंटर भी हो गया। मंगेश यादव के घर वालों का साफ साफ कहना है कि रात में 2 बजे मंगेश यादव को घर से पुलिस उठाकर ले गई, 2 दिन अपने पास रखा और तीसरे दिन सुबह सुबह मंगेश यादव की हत्या कर दी। मंगेश डकैती में शामिल नहीं था। जो लोग डकैती में शामिल थे उनमें से किसी का भी एनकाउंटर नहीं हुआ, सिर्फ मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, क्योंकि मंगेश जाति से यादव था। यादवों और मुसलमानों से नफरत की एक वानगी उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर पानी उछालने वाले मैटर में देख चुका है। घर वालों का कहना है कि डीके शाही ने कंधे पर स्टार बढ़ाने के लिए जाति देखकर एनकाउंटर नहीं बल्कि निर्दोष की हत्या की है। घर वाले कहते हैं कि मंगेश को जब पुलिस उठाने आई थी तो घर की तलाशी में कुछ नहीं मिला था, लेकिन एसटीएफ का कहना है कि मंगेश के पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक और लूटे गए जेवर बरामद किए हैं। वहीं मंगेश यादव की एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों का नाम पढ़ लीजिए कि योगी सरकार का सबसे बड़ा जातिवादी चेहरा सामने आ जाएगा। दरअसल एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों में विमल कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह, महावीर सिंह, अतुल चतुर्वेदी, प्रदीप सिंह, नीरज पांडे, सुशील सिंह, रामविलास शुक्ला, अमित त्रिपाठी और अमर श्रीवास्तव का नाम शामिल है। वहीं सुल्तानपुर में लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव को योगी पुलिस ने जान से मार दिया। इसी लूटकांड के अन्य आरोपी अनुज प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह भी हैं। इन्हें एक खरोच तक नहीं आई। क्या इनको भी उत्तर प्रदेश पुलिस जान से मारेगी? वहीं अब मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी यानी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सवाल ये है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो सोना किसके खजाने में जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? सवाल गंभीर है। अखिलेश यादव के इस बयान ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। वहीं मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच एसडीएम लम्हुआ विदुषी सिंह द्वारा की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने इस एनकाउंटर को न्याय संगत और कानून सम्मत बताया है, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।